एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 में हम क्या सीखेंगे कि कौन से नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन से नंबर नॉट टर्मिनेटिंग है, कौन से रिकरिंग है, कौन से रिकरिंग नहीं है। मतलब अब थोड़ा सा आपको ये समझना है, जैसा कि मैंने आपको पहले डेसिमल एक्सपेंशन बता चुका हूं मैं। देखो रेशनल नंबर में दो कंडीशन होती है डेसिमल एक्सपेंशन में, इसकी ये तो पी वाई क्यू की फॉर्म में होता है जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन पर आने से पहले आप थोड़ा सा बेसिक समझ लें इसका क्या है इस एक्सरसाइज में। तो डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से समझेंगे इसको हम, तो इसमें क्या होता है आपको पता है, टर्मिनेटिंग होता है, क्या होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो क्या होगा रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो क्या होगा रिपीटिंग होगा या रिकरिंग होगा, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन एडिशनल नंबर में क्या होता है आपको पता है, ओनली नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड नॉन रिपीटिंग भी होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो वही चीज समझना आपको, क्वेश्चन नंबर वन क्या है, विदाउट, क्वेश्चन नंबर वन पढ़ो, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब आपको डिवाइड नहीं लेना है, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में डिवाइड नहीं देना है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर, ये नंबर क्या है रेशनल नंबर है सब आपको दिखाएं, जैसे कि पी वाई क्यू की फॉर्म में है, पी वाई क्यू की फॉर्म में है, तो द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको क्या करना है, आपको बताना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है ना, आपको डिवाइड नहीं देना है। तो कैसे करेंगे, तो आपको पता है इसका आंसर टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ। इसका क्या तरीका है देखो मैं आपको बताता हूं, इसको हम बिना डिवाइड दिए कर सकते हैं कैसे, देखो सुन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर कोई नंबर पी वाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है, पी वाई क्यू की फॉर्म में है, तो आपको ध्यान रखना है जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो आपका डिनोमिनेटर है ना, ठीक है, जब उसके फैक्टर करें तो फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n की फॉर्म में होना चाहिए। मींस इसमें तीन कंडीशन हो सकती हैं आपकी, देखो या फिर तो ओनली 2 की पावर है, मतलब जब डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे तो उनमें फैक्टर ओनली कौन से आने चाहिए, Only 2 and 5, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं आना चाहिए, ठीक है, या फिर तो अकेले 2 आ जाए, only 2 to the power m फॉर्म में आ जाए, या only 5 to the power n फॉर्म में आ जाए, या 2 to the power m and 5 to the power n both दोनों में आ जाए। मतलब ये है कि जब हम किसी की फैक्टर करें या फिर 2 और 5 में से आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए, या 2 अकेला आ जाए या 5 अकेला आ जाए या दोनों आ जाए, तो वो नंबर हमेशा क्या होगा, क्या होगा बताओ, टर्मिनेटिंग होगा, वो नंबर हमेशा कैसा होगा टर्मिनेटिंग होगा। ध्यान रखो इस बात को हमेशा, आपको काम पड़ेगा कभी भी, आप देखते हो जैसे डिवाइड 4 का देते हैं, 10 का देते हैं, 25 का देते हैं, 8 का देते हैं, तो पॉइंट आपको पता है पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं, आप उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है टर्मिनेटिंग होता है। अदरवाइज इसके अलावा अदरवाइज कोई भी नंबर आता है तो वो हमेशा क्या होगा, अदरवाइज पी बाई क्यू का जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग,
मैंने आपको वही बताया पी अपॉन क्यू मतलब रजिस्टर नंबर की दो फॉर्म हो सकती हैं, टर्मिनेटिंग हो सकती है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकती है। तो टर्मिनेटिंग कब होगी, जब डिनोमिनेटर का जो फैक्टर होगा, डिनोमिनेटर का जो फॉर्म होगा वो 2 and 5 टू दी पावर में होना चाहिए, या ओनली 2 आ जाए या सिर्फ 5 आ जाए या ये दोनों हो, तो वो नंबर कैसा होगा, वो रेशनल नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, इसके वाला 2 और 5 के साथ में या इसके अलावा कोई और नंबर आ जाता है अदरवाइज, तो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर होगा। सिंपल मतलब 2 and 5 आए तो टर्मिनेटिंग, और ना आए उसके साथ भी और कोई नंबर आए तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, दो ही आंसर है। तो ठीक है, तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 113/3125। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में नंबर होना चाहिए, मतलब अगर किसी नंबर से कैंसिल हो रहा है तो आप पहले कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। तो अब डिनोमिनेटर जो आपका क्या 3125, इसकी क्या करेंगे आप, फैक्टर करेंगे, फैक्टर करेंगे तो 3125 से जाएगा, 5 6 5 2 5 5 5 1 5 2 5 तो क्या है इसके फैक्टर 5 × 5 × 5 × 5 × 5 = 5 to the power 5, मतलब इसका जो फैक्टर आए किस फॉर्म में आए, 5 to the power n फॉर्म में। तो मैंने क्या बताया था 2 to the power m × 5 to the power n की फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा 5 to the power n आ गया, तो क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5 to the power n, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 क्या है होगा, इज टर्मिनेटिंग, बस हो गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको फैक्टर करने हैं, 2 to the power 5 to the power में आए तो क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या लिखना है, इज टर्मिनेटिंग, अगर नहीं आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। एक इस टाइप का क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी सब आप करोगे, जैसे कि आप कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो दिख रहे हैं साफ साफ, ठीक है। जैसे कि ये है, इसमें 2 और 5 के साथ क्या आ रहा है, 7 भी आ रहा है, तो ये नंबर कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, ठीक है। और एक टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये अब डिनोमिनेटर क्या है, 8 है, तो 8 को क्या लिखेंगे, 2 8 के क्या होंगे फैक्टर, 2 × 2 × 2 यानी 2 to the power 3, तो ये नंबर कैसा हुआ, 2 to the power m फॉर्म में होगा, और 2 की पावर m फॉर्म में है तो ये नंबर कैसा हुआ, टर्मिनेटिंग हुआ, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 64/455, ठीक है। तो इसके फैक्टर करते हैं, 455 के 5 से जाएगा, 5 9 5 1 5, ठीक है, 7 से 13 times 7 3 20 13। अब देखो इसमें जो 455 की जो फैक्टर आ रहे हैं वो 5 × 7 × 13, मतलब 5 के साथ 7 और 13 भी आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था, ओनली 2 और ध्यान को ओनली 2 to the power m और समझो अच्छे से 2 to the power m और 5 to the power n, या m और n कोई भी नंबर हो सकते हैं, होल नंबर, मतलब 2 to the power n और 5 to the power n और 2 to the power m × 5 to the power n both। अगर ये इस टाइप की कंडीशन बनती है तो नंबर होगा आपका टर्मिनेटिंग, क्या होगा, टर्मिनेटिंग, अदरवाइज
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो यहां पे हम लिखेंगे डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n। मतलब डिनोमिनेटर का जो फॉर्म है वो 2 to the power m into 5 to the power n का नहीं है। सो देयरफोर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 64 upon 455 is non-terminating and repeating। बस इतना करना है। तो मैंने दो टाइप के आपको क्वेश्चन बता दिए। तो जब इस टाइप का होगा 2 to the power m और 5 to the power n और इन दोनों में आ जाए तो नंबर होगा आपका टर्मिनेटिंग। अगर नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, दो ही कंडीशन इसमें, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको थोड़े से पहले कैंसिल करने होंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये आपको बता 3 से कैंसिल हुआ 3 2 जा 3 5 जा, ये हुआ 5 7 जा 5 10 जा, ये हुआ 7 11 से 7 30 से। क्योंकि जब आप इसके फैक्टर करोगे, जैसे मान लो आपने फैक्टर किए तो इसमें 15 के तो 3 into 5 आएगा, तो वही गलत हो जाएगा क्योंकि आपको लगेगा 3 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, तो फिर ये नंबर टर्मिनेटिंग कैसे हुआ। पर आपको ये क्या करना है, पहले कैंसिल कर लेना है, ये भी कैंसिल कर लेना है, ये भी कैंसिल कर लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 के ही सॉल्व करनी है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा कुछ और है, क्वेश्चन यही है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखो जरा, पढ़ो। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब आपको इनकी क्या लिखनी है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है। अभी हम बता रहे थे कि डेसिमल एक्सपेंशन इसका कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। पर आपको अब क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, मतलब आंसर लिखना है। मतलब जब आप इसका इसमें डिवाइड दोगे तो आंसर क्या आएगा डेसिमल में, ठीक है, वो लिखना है। ठीक है, ऑफ दोज डेसिमल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको ऐसे क्वेश्चनों का आंसर लिखना है जो नंबर कैसे हैं, टर्मिनेटिंग है। मतलब आपको नॉन टर्मिनेटिंग वालों का आंसर नहीं लिखना है, ओनली किसका लिखना है जो टर्मिनेटिंग है। तो जैसा आपका पहला क्वेश्चन क्या था, पहला नंबर कैसा आया, टर्मिनेटिंग, तो हम इसका निकालेंगे। तो आपको सब निकाल कर रखनी है पहले कि कौन से नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जो नंबर टर्मिनेटिंग है उनका हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। बहुत ही शॉर्ट तरीका बताऊंगा इसका और सिंपल, ट्रिकी भी कह सकते हैं इस तरीके को। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो मैंने जो राइट मार्क किए हैं 1, 2, 4, 6, 6th, 8th और 9th, ये जो क्वेश्चन आएंगे आप जब सॉल्व करोगे इनको, तो ये नंबर कैसे आएंगे आपके, टर्मिनेटिंग नंबर आएंगे। तो इनका तरीका क्या होता है वो देखो आप। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, 13 upon 3125। तो आपने इसके डेसिमल एक्सपेंड किया था 13 upon 3125 के फैक्टर की, तो क्या आया था 5 to the power 5। अब देखो एक सिंपल तरीका, अगर कभी भी डिनोमिनेटर में 5 की पावर आए या 2 की पावर आए या दोनों आए, तो आपको 5 into 2 दोनों ही बनाने हैं। ठीक है, और पावर क्या करनी है आपको, सेम करनी है। कैसे, आप समझो, थोड़ा सा करके दिखाता हूं फिर समझ में आएगा। आपको क्या करना है, नीचे 2 लेकर आना है, 2 की पावर कितनी लेके आए जिससे कि सेम हो जाए, 2 to the power 5। तो आपको 2 to the power 5 का मल्टीप्लाई ऊपर और 2 to the power 5 का मल्टीप्लाई नीचे। मैं भी क्वेश्चन सब कराऊंगा तब तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पर 5 to the power कितना है, 5, तो हमें कितना चाहिए, 2 भी चाहिए। तो 2 की पावर कितनी चाहिए जिससे कि सेम हो जाए पावर, 2 to the power 5। तो जब डिनोमिनेटर करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करेंगे, तो क्या आएगा, 13 into 2 to the power 5 कितना होता है,
कितना होता है 32, कितना होता है 32, 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। अब इसको क्या लिखेंगे हम, देखो 5 into 2 to the power 5, दोनों में पावर सेम है तो ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर न्यूमरेटर को आप सॉल्व करते जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 13 2 जा 26, 2 कैरी 13 3 39 और 2 41, कितना आया है ना 13 2 जा 26। नीचे कितना आएगा 5 2 जा 10, 10 to the power 5। अब देखो क्या करना है आपको, इतना मतलब सीधा सीधा मतलब ये है, ये हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 टू दी पावर आ जाए, और आपको पता है जब 10 टू दी पावर आ जाती है तो सॉल्व करना इतना सिंपल रहता है। तो कितना आएगा 10 टू दी पावर 5 आ गया, मतलब 5 डिजिट के बाद आपको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो कैसे लिखेंगे 6 1 4, 3 digit 4 5 and point, you get the बिल्कुल सिंपल। तो क्या करना है आपको 10 to the power 5, यानी 5 डिजिट के बाद आपको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो 5 डिजिट गिन लेंगे तो 6 1 4 तो है ही है, तो 2 0 बढ़ाकर क्या लगा देंगे, पॉइंट। दैट्स व्हाट। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है आपको। अब 4 में क्या है देखो, अभी क्लियर है 4 15 upon 1600, इसके आप क्या करोगे फैक्टर। तो पहले आपको पता है ये 5 से कैंसिल हो रहा है, तो 5 3 जा, ये होगा 5 3 जा, ठीक है आप कैंसिल कर लेना 5 3 जा और 5 2 जा और 0, तो ये सॉल्व होगा कितना आएगा 3 upon 320, 5 से कट जाए 3 times, ठीक है। तो अब 320 क्या करेंगे आप, फैक्टर करना, तो 3 3 and 20 फैक्टर किए होंगे आपने तो कितना आया था 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6 into 5 to the power 1, कितना आया, ठीक है। तो ये आप कर देना। अब हमें क्या करना है, 2 और 5 की पावर क्या बनानी है, सेम बनानी है। तो मैंने क्या बताया था अभी आपको 3 2 to the power 6 into 5 to the power 1, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to the power 6 तो है ही है, हमें 5 की पावर कितनी और चाहिए, 5 चाहिए। तो 5 टू दी 5 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में और 5 टू दी पावर 5 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर देंगे, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 2 to the power 6 into 5 to the power 6, बेस सेम होती है तो पावर ऐड होती है। ऊपर कितना आएगा 5 to the power 5, कितना होता है अभी किया था 3 1 2 5, इसमें है 3 1 2 5, सॉल्व कर लेंगे इसको 75 3 1 जा 3 3 जा 9, नीचे सॉल्व करके कितना आएगा 2 into 5 to the power 6, तो 9 3 7 5, 10 to the power 6। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 6 डिजिट के बाद 5 7 3 9 0 0 and point 0, ठीक है। तो 0.00935, ठीक है। ये 4 वाला हो गया, ऐसी सेकंड वाला सिंपल था तो आप कर लेना 4, ये सब आप कर लेना, ठीक है ना। इन्हें करके देखना, जैसे इस टाइप का और देख लो, 6 वाला है 23, 2 to the power 3, 5 to the power 2, ये तो पहले से ही सॉल्व है। तो क्या करेंगे हम इसमें, देखो 2 की पावर कितना है 3, 5 टू दी पावर कितना है 2, हमें 2 की पावर कितना, 5 टू दी पावर कितना और चाहिए 1 चाहिए। तो न्यूमरेटर 5 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर 5 का 1 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर कितना आएगा 5 3 जा 15, 5 टू जा 10 और 1 जाएगा 5 3, ठीक है। तो नीचे कितना आएगा 2 to the power 3 into 5 to the power 3, तो 115 upon 10 to the power 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 डिजिट के बाद, यानी 5 1 1 और 1, दैट्स ऑल, हो गया बस, इतना सा करना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने कराया, कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं।
ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 3, वो भी हम कर लेते हैं। 3 में क्या है आपको देखो, क्वेश्चन पढ़िए। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। ठीक है, इनमें से कोई रेशनल नंबर है और कोई इरेशनल नंबर नहीं, तो रेशनल नंबर नहीं है। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, मतलब इसमें से आपको बताना है कौन सा रेशनल है कौन सा रेशनल नहीं है। अगर वो रेशनल है ठीक है ना, तो वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, ठीक है ना। तो आपको पहले ये बताना है कि कौन सा इसमें नंबर रेशनल है कौन सा नंबर रेशनल नहीं है। अगर जो नंबर रेशनल है ठीक है, तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा, जो रेशनल नंबर निकलेगा उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसके फैक्टर कैसे होंगे। तो आपको पता है अगर कोई नंबर रेशनल है तो उसका डिनोमिनेटर के फैक्टर कैसे होंगे, 2^m × 5^n की फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। 4, 3.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आपको पता है ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग नंबर है। अगर नंबर टर्मिनेटिंग है तो नंबर कैसा होगा, रेशनल होगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे दिस दिस डेसिमल एक्सपेंशन, दिस डेसिमल एक्सपेंशन हैज टर्मिनेटिंग एंड फाइव, यहां बोथ लिख देता हूं मैं, एंड बोथ। ठीक है, तो आपको क्या पता करना है, हमें ये देखना है कि ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है तो रेशनल होगा। तो रेशनल होगा तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा तो उसके फैक्टर किस फॉर्म में होंगे, 2 में होंगे और 5 में होंगे या दोनों में होंगे। ठीक है, बस इतना से लिखना है। अब सेकंड है, सेकंड नंबर क्या है आपका, 0.120 1200 1200 1200 1200। तो हमें बताना ये नंबर कैसा है। आपको दिख रहा है ये नंबर ना तो रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये क्या रिपीटिंग है क्या, नहीं, क्योंकि 1 2 0 ठीक है ना, 1 0 आ रहा है, 1 0, 2 0 आ रहे हैं, 3 0, 3 0 आ रहे हैं, फिर 4 0 आ रहे हैं। तो मतलब ये नंबर रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो यहां रखेंगे दिस डेसिमल एक्सपेंशन हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो इट इज एन इरेशनल नंबर। तो ये नंबर कैसा होगा, ये इरेशनल नंबर होगा, दैट्स ऑल हो गया। अब ये नंबर कैसा है आपको पता है क्या है, ये नंबर कैसा है, रिपीटेड एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है। तो इसका नंबर कैसा हुआ, ये नंबर रेशनल होगा, रेशनल होगा तो इसके कुछ जो डिनोमिनेटर आएगा उसके फॉर्म किस में होगा, 2 में होगा या 5 में होगा। ठीक है ना, तो याद कर लेना। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा, खूब प्रैक्टिस कीजिए और तब तक प्रैक्टिस कीजिए जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, ये सेशन अपना यहीं पे खत्म होता है। तो आप अपने दोस्तों से भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर एंड लाइक।